दोस्तों नमस्कार, निशान टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। आज इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं आपको, ये देखिए पावर विंडो स्विच से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें दिखाया था कि अगर आप की भी निकाल दो, ये पुश बटन वाली गाड़ी है एक्चुअली, ठीक है, तो फंक्शन सब में सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आपको मैं दिखाता हूँ, जब इस तरफ हम करते हैं तो इसका अंदर वाला जो मिरर है वो काम कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही उसका भी करेगा, पर उसको कैसे करना है जब इधर कर लेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद वो वाला मिरर भी काम कर रहा है, बट ये ओपन एंड क्लोज नहीं हो रही, ठीक है। यहां से ओपन एंड क्लोज होते हैं, ठीक है, चाहे इसको आप इधर छोड़ दो या इधर छोड़ दो। अभी मैं इसको देखिए प्रेस कर रहा हूं, यहां से देखिए प्रेस कर रहा हूं तो ये ओपन क्लोज नहीं हो रहे हैं। इनमें क्या प्रॉब्लम है वो चीज मैं आज इसमें कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ओपन क्लोज नहीं हो रहे हैं, पावर विंडो स्विच में प्रॉब्लम है या साइड मिरर के अंदर प्रॉब्लम है वो आज डायग्नोसिस करेंगे, एंड उसके बाद क्या सॉल्यूशन निकला वो चीज भी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहले क्या है कि यहां से पावर विंडो स्विच अपना जो काम कर रहा है, बट ये जो है साइड मिरर जो है ये फोल्ड अनफोल्ड नहीं हो रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें पहले फ्यूज बॉक्स में से फ्यूज देखना पड़ेगा, फ्यूज तो नहीं उड़ गया है। पर यहां पर एक चीज बता दूं, अगर फ्यूज उड़ जाता, अगर बाय चांस फ्यूज उड़ जाता तो अंदर वाला जो ये इसका मिरर काम कर रहा है ये काम नहीं करता, ठीक है। पर क्लियर करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए हमें फ्यूज चेक कर लेना चाहिए। एंड मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आपको आपकी मैनुअल बुक के अंदर ही सारे फ्यूज उनकी लोकेशन सब मिल जाएगी, मैं दिखा देता हूं आपको, एंड उसके बाद फ्यूज भी वहां पर चेक करेंगे। तो दोस्तों ये ओनर मैनुअल आपको निकाल लेना है, ठीक है, एंड इसी में आपको ढूंढना है। तो इसकी ओनर मैनुअल के अंदर यहां देखिए इस पे पेज नंबर लिखा हुआ है 8.23, ठीक है। ये तो मिलेगा अंदर वाले फ्यूज बॉक्स की लोकेशन, मतलब अंदर वाला जो फ्यूज बॉक्स है, लोकेशन मैं अभी वीडियो में आपको दिखाई दूंगा कहां होता है। अंदर जो फ्यूज बॉक्स हैं, मतलब जो फ्यूज लगे हुए हैं नंबर वाइज यहाँ लिखा हुआ भी है, उनके सारे नंबर, मतलब किसका कौन सा फ्यूज है, टीसीयू का 15 एम्पियर, मीटर का 10 एम्पियर, मीटर मतलब क्लस्टर मीटर के अंदर अगर लाइट नहीं आ रही है इग्निशन ऑन करने पर, स्टार्ट करने पर, जैसे लाइट दिख रही है ना ये, तो ये फ्यूज उड़ गया तो ये लाइट नहीं आएंगी। मैं किसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा एक ये एक्सपेरिमेंट करके, पर इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर आपको सारे फ्यूज मिल जाते हैं अंदर वाले और बाहर वाले भी, ठीक है। एंड ये तो अंदर वाला हो गया, एंड बाहर वाला ये देखिए फ्यूज बॉक्स इस तरीके से मिलेगा, एंड सारे ये देखिए यहाँ पर फ्यूज लिखे हुए हैं। फ्यूज बॉक्स की दोनों की वीडियो मैं दूंगा आपको प्रॉपर, इस चीज से निश्चिंत रहे, पर आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि आपको पता चलता रहे। इसको रख देते हैं, इसमें 23 और 24 नंबर का फ्यूज नंबर है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ 23 नंबर का जो भी होगा, अभी देख लेते हैं वो ओके है कि नहीं है। तो दोस्तों फ्यूज बॉक्स आपको मिलेगा ग्लो बॉक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसको आपको ऐसे पुल करके बाहर निकाल लेना, थोड़ा हार्ड पुल होगा, खुलेगा हार्ड, एंड यहाँ पर इसमें आपको फ्यूज दिख जाएंगे ये, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ कौन से नंबर का वो फ्यूज है। तो यार फ्यूज ना मैंने चेक कर लिया है, इसमें एक्चुअली स्पेस नहीं है बिल्कुल भी, एंड या तो फ्यूज चेक कर लो या फिर कैमरे से वीडियो बना लो। फ्यूज मैंने इसमें देख लिया है, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कितने एम्पियर का फ्यूज वो मिलेगा आपको। तो दोस्तों इसमें 23 नंबर का जो फ्यूज है वो आपको 5 एम्पियर का मिल जाएगा, ठीक है। तो 5 एम्पियर का फ्यूज अगर बाई चांस कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो चेक कर लेना, बट वो फ्यूज ओके मिला है, ठीक है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, साइड मिरर तो हम डायरेक्ट खोल नहीं सकते, ठीक है ना, तो मैंने पैक कर दिया है वापस से, ठीक है। तो साइड मिरर तो हम डायरेक्ट खोल नहीं सकते, बट उससे पहले हमें चेक कर लेना है पावर विंडो स्विच तो खराब नहीं है, ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसीलिए मैंने दूसरा पावर विंडो स्विच मंगा लिया है, ठीक है, एंड उसी को इसमें एक बार लगाएंगे, लगा के इसको चेक करेंगे प्रॉपर ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड अगर ये काम कर गया तो फिर ये रिप्लेस हो जाएगा क्योंकि गाड़ी वारंटी में है। वारंटी का प्रोसेस अलग है, उसमें विन नंबर किलोमीटर वगैरह वो सब देने पड़ते हैं, वो क्लेम अलग हो जाता है। अभी इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं, इसको भी दिखा दूंगा ये कैसे निकलेगा। तो इसको पावर विंडो स्विच को खोलने के लिए सिंपल ये एक 20 mm की बीड़ आपको चाहिए, ये देखिए 20 लिखा हुआ है ना, स्टार गोटी आपको ऐसी चाहिए, एंड एक ऐसा इस तरीके का जो मुट्ठा टाइप होता है, इसको मुट्ठा बोलते हैं यार टेक्निकल, यहाँ पर टेक्नीशियन। तो इसको यहाँ पर इसमें फिक्स कर लेना, फिक्स करके
पहले यहाँ पर इसके अंदर एक स्क्रू होता है, ठीक है, उसको खोल लेना है स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो इस स्क्रू ड्राइवर से हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इस तरीके से स्क्रू ड्राइवर डाल के पुल कर देना, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। एंड इसको उठा के बाहर रख लो, ये इस तरीके का होता है, इसीलिए होता है कि इसमें आराम से स्क्रू जा सके। एंड इसको ध्यान से रख देना है। एंड ये जो स्क्रू है 20 mm का, तो इसको इससे खोल लेना है। आज यार लीड जो है जिससे मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ वो घर पे ही छूट गई, तो थोड़ा सा अगर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ पहले ही। तो अभी मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, ये स्क्रू निकाल लेता हूँ पहले। तो अभी ये स्क्रू खुल चुका है पूरा, एंड अभी ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है, तो अंदर टाइट नहीं है। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से इसको पकड़ लेना है, पकड़ के हल्का सा ऊपर की तरफ पुल करना है, ठीक है। यहाँ से नीचे से ये निकल जाएगा, देख रहे हो, ऐसे ही हमें वहां तक निकालना है। तो अभी क्या करना है, आराम से इसको ऊपर उठा लेंगे, टूटने वाला नहीं है, अगर आप कभी निकालो तो ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी। तो ये निकल गया, एंड ये स्क्रू भी देखिए फ्री हो चुका है ना। अभी इसको निकाल के रख लेते हैं बाहर, ठीक है। अभी इसके क्या करेंगे, सारे कनेक्टर हमें निकाल लेने हैं। पीछे देखिए इस तरीके के अलग अलग कनेक्टर्स लगे रहते हैं, इनको निकालना है पहले, ठीक है। तो अभी ये कनेक्टर हमें निकालने हैं, तो सिंपल आपको क्या करना है, अंदर के जो लोक है ना इनको दबा के ऐसे बाहर निकालने हैं। यहाँ से ये है, इस तरीके से सारे लोक बाहर निकाल लेने हैं, क्योंकि अभी दूसरा पावर विंडो स्विच इसमें लगा के हमें चेक करना है। ये वाला लोक भी दबाना है, ये ऐसे निकल गया, ठीक है। सेम मॉडल गाड़ी का सेम ही पावर विंडो स्विच मैं लेके आया हूँ, अभी इसको लगा के चेक कर लेते हैं। एंड कनेक्टर बैठाने से पहले, बिठाने तक आवाज़ आनी चाहिए, जैसे ही बैठ रहे हैं ना तो आवाज़ क्लियर आनी चाहिए। तो ये चारों कनेक्टर लग गए हैं। एंड अभी क्या करना है, अभी इग्निशन ऑन करके गाड़ी स्टार्ट करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी इसको खुला रखते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी आप अगर इग्निशन ऑन करके चेक करना चाहो तो हो सकता है, ठीक है। इसकी वीडियो मैंने डाली हुई थी ना, वो 3 मिनट तक आप इग्निशन ऑफ करके आप चेक कर सकते हैं, काम करते रहेंगे वो। तो अभी क्या करना है, प्रॉपर एक बार चेक कर लेते हैं विंडशील्ड शीशे वीशे वगैरह काम करने के नहीं कर रहे हैं। तो ये तो काम कर रहे हैं मेन पावर विंडो, एंड अंदर से भी ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हमें इस तरफ करना है, ये देखिए कर रहा है काम, यहाँ से देखो, ठीक है। एंड अभी जो मेन चीज हमें चेक करनी है, इस वाले स्विच को दबा के, ये देखिए पावर विंडो स्विच फॉल्टी निकला इसमें फ्रेंड्स, एंड ये पावर विंडो स्विच रिप्लेस होगा, ठीक है। देखिए दोनों काम करने हैं, मैं उधर भी कर रहा हूँ। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। एंड इसी तरीके से आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक प्रोसेस अलग होता है मल्टीमीटर का। वो मल्टीमीटर यार आज खराब हो गया अपना, इस वजह से मैं सीधा पावर विंडो स्विच रिप्लेस करके देख लिया, वरना यहाँ पर मैं सप्लाई चेक करता, इस कनेक्टर पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ से काम कर रहा होगा, यहाँ आ रही होगी तो फिर इसका पावर जो स्विच है ये क्या अपना ये साइड मिरर है इसके कनेक्टर पे सप्लाई चेक करता, अगर वहाँ सप्लाई आ रही होती तो भी हम कन्फर्म हो जाते कि ये खराब है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम यहाँ निकली है, तो ये पावर विंडो स्विच पूरा का पूरा कम्प्लीट रिप्लेस होगा, ठीक है दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में, मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद। निसान मैग्नाइट गाड़ी है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।